देश के नामचीन आनंदा डेयरी उत्तर प्रदेश में अरबों इन्वेस्ट कर किसानों को रोजगार, युवाओं को नौकरी और समाज को सेहतमंद बनाने के मिशन पर लग गई है। आनंदा डेयरी ने उत्तर प्रदेश सरकार से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रदेश में 650 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का एमओयू साइन किया था, जिसमें वह लगभग 130 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर चुकी है। लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में स्टॉल लगाया, जिस पर पहुंचे देश दुनिया के दिग्गजों ने कंपनी के उत्पादों को स्वाद चखा और वाह वाह की। आपको बता दें कि कंपनी ने सियाना, गजरौला, पिलकुआ में एक साल के अंदर काम शुरू कर दिया है। आनंदा डेयरी ने पिलकुआ स्थित अपनी फैक्ट्री में साइड में 15 एकड़ जमीन और खरीद ली है, जिसमें एक नया प्रोजेक्ट लगाएगी। एमओयू संपूर्ण करने के लिए आनंदा डेयरी उत्तर प्रदेश के 35 जिलों के 6000 गांवों के 3 लाख किसानों से 10 लाख लीटर दुग्ध उपार्जन एवं पशुधन विकास का कार्य कर रही है। पशुओं के एआई का कार्य पूर्ण सफलता के साथ नस्ल सुधार के कार्य में आनंदा डेयरी की भूमिका अग्रणी है। आनंदा डेयरी सीधे किसानों से 10 लाख लीटर दूध उपार्जन करने के बाद उक्त दूध से बने 100 से ज्यादा दुग्ध उत्पाद बनाती है, जो पूरे भारत के अतिरिक्त 20 देशों को मिल्क उत्पाद निर्यात करती है। आनंदा डेयरी चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित ने बताया कि लोकल फॉर ग्लोबल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उनकी कंपनी भी सपने को साकार कर रही है। आनंदा डेयरी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अपना स्टॉल भी लगाया, जिसका ग्राउंड सेरेमनी में भाग लेने वाले सभी दिग्गजों ने स्टॉल भ्रमण भी किया। आनंदा डेयरी विदेश में भी अपना परचम लहरा रही है। दुबई में आनंद डेयरी ने अपने दुग्ध उत्पादन का स्टॉल भी लगाया है। इसका उद्घाटन आनंदा चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित और डायरेक्टर सुनीता दीक्षित द्वारा किया गया। डायरेक्टर सूरज दीक्षित, राहुल दीक्षित आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।